हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है लेटेस्ट जॉब के अकॉर्डिंग जो है न्यू अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के पदों पर जो है सीधी भर्ती के बजाय जो है मांगा प्रमोशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी भर्ती 50% जो है सीधी भर्ती का यहाँ पर जो प्रस्ताव किए गए हैं, और इस पर यहाँ पर बताया गया है कि राजकीय शिक्षा संघ ने विधायक जो बंशीधर भगत हैं उनको यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा है, और कहा है कि खाली पदों पर जो है रिक्त पदों पर जो यहाँ पर पदोन्नत होनी है उन पर जो है सीधी भर्ती के बजाय जो है प्रमोशन के जरिए करने की वहाँ पर मांग की गई है। और वहीं बात करें पदोन्नति में जो है आरक्षण के बारे में जो है क्या किया 6 हफ्ते में बताएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट सख्त आदेश जारी कर रखे हैं, सरकार से पूछा कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है आरक्षण को लेकर जो है क्या किया गया है, उसको लेकर जो है सरकार से पूछा गया है। तो हाईकोर्ट ने जो है राजकीय सेवाओं में प्रमोशन में जो है आरक्षण के लिए कैडर वाइज जो है रोस्टर बनाने के मामले में जो है सरकार से यहाँ जो है 6 हफ्ते के जो है भीतर जवाब मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 हफ्ते में जो है जवाब देगी सरकार। और वहीं बात करें अब जो है विधानसभा में पदोन्नति और भर्तियों के नियम होंगे सख्त। तो यहाँ पर देखते हैं विधानसभा में जो भर्तियाँ हैं पदोन्नति हैं उसको सख्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, और 20 में जो है बैकडोर भर्ती की जो है जांच रिपोर्ट सौंपने की जो है खबरें वायरल। तो यहाँ पर देखते हैं 20 में जो है जांच रिपोर्ट सौंपने की खबरें वायरल हो चुकी हैं, ये बताया जा रहा है कि आज की रिपोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा जो ऋतु खंडोरी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि रिपोर्ट को लेकर जो है भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है ऐसा बताया गया है। समिति की ओर से जो है अभी तक जो है कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, तो समिति की ओर से कोई रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। और यह जांच पर जो है सवाल उठाने वालों स्पीकर की जो है यहाँ पर हिदायत, और 20 की यहाँ पर जो है गरिमा पर जो है राजनीति बर्दाश्त नहीं बताया गया है। और पेपर लीक की जो है दागी RMS कंपनी ने कराई थी विधानसभा भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय परीक्षा की पेपर लीक मामले में जो है दागी कंपनी जो RMS कंपनी है विधानसभा भर्ती परीक्षा जो है यहाँ पर 32 पदों के लिए यहाँ पर इसी साल जो है यहाँ पर मार्च में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। और हालांकि जो है आरक्षण संबंधी जो है याचिका पर जो है हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जो है स्थगित कर दी गई थी, तो हाईकोर्ट ने स्थगित कर रखी थी। तो यहाँ पर इसी कंपनी ने जो दागी कंपनी है जिसमें वीडियो दागी कंपनी पाई गई है उसी में जो है यहाँ पर कंपनी ने किया गया था ऐसा बताया गया है, जो कि पिछले अक्टूबर हमें यहाँ पर जो है 32 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकाला गया था। तो वही बात करें अब 4 साल से यहाँ पर जो है शहरी निकायों में जो है लागू नहीं तबादला एक्ट करने की मांग की गई है। और वहीं यहाँ पर सरकार छात्रों के खाते में देगी ड्रेस का पैसा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश में जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के यहाँ पर जितने भी छात्र होंगे 6 लाख से अधिक जो है छात्र छात्राएँ स्कूल ड्रेस और बैग और जूते की जो धनराशि DBT के माध्यम से यहाँ पर जो है उनके खातों में जाएगी। और शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने जो विभागीय अधिकारी को जो है इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर विधानसभा में विवादित भर्तियों की जो है अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, तो ये जो है खबर जो है वायरल बताया जा रही है, जिसमें यहाँ पर जो है इसका जो है रिपोर्ट अब तक जो है इनकार किया गया है। तो खंडू की तरह कहा गया है कि कोई रिपोर्ट यहाँ पर जो है नहीं मिली है। और इंटर कॉलेज में जब प्रधानाचार्य के पद पर जो है पदोन्नति से भरें, तो प्रधानाचार्य के पद जो है पदोन्नति से भरने की यहाँ पर मांग की गई है। और प्रधानाचार्य पद पर जो है बेसिक शिक्षकों को जो है सम्मिलित करें, तो वहीं यहाँ पर राज्य के प्राथमिक शिक्षा संगठन की ओर से बताया गया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद है उसमें होने जा रही भर्ती, इस पर जो है बताया गया कि बेसिक संवर्ग के शिक्षकों को भी यहाँ पर जो है सम्मिलित करने की यहाँ पर मांग की गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर शासन से यहाँ पर जो है रोक के बाद भी यहाँ पर जो है नैनीताल जिले में 45 शिक्षकों के तबादले, तो शासन की ओर से रोक होने के बाद ही 45 शिक्षकों के यहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर शासन के उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूलों से यहाँ जो है जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक को जो है अगले आदेश तक जो यहाँ पर तक नहीं हटाए जाने के आदेश के बावजूद जो है नैनीताल में 18 स्कूलों के 45 शिक्षकों के जो है तबादले कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अंग्रेजी विषय में छात्रों की जो है बढ़ रही रुचि, तो यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी विषय में छात्रों की जो है रुचि बढ़ रही कॉलेज में। MBBS कॉलेज में जो है यहाँ पर छात्राओं जो है अंग्रेजी पढ़ने में जो है मामले में आगे निकल गई है ऐसा बताया गया है। और वहीं विज्ञान संकाय में भी यहाँ पर घट रही छात्रों की रुचि ऐसा बताया गया है। और संस्कृत और शिक्षा शास्त्र में भी यहाँ पर जो है बढ़ रहे विद्यार्थी। और वहीं बात करें शिक्षा विभाग के कर्मी AD दफ्तर जो है कल देंगे धरना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो है धरना जारी है। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन ने इन्होंने जो है धरना करने की बात कही है। और वहीं यहाँ पर अग्निवीरों के लिए यहाँ पर जो है 10 साल की सेवा अवधि हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गोपेश्वर में आयोजित अधिवेशन में जो है पूर्व सैनिकों ने जो है रखा सुझाव, और जिला अधिवेशन में जो है सुनी गई पूर्व सैनिकों की समस्या, और अग्निवीर की सेवा जो है 10 साल करने की बात कही गई है। और 20 भर्ती में जो है नियम
सख्त होंगे, खंडूरी ने यहाँ पर जो है कहा गया है। जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है इनके नियम चेंज कर दिए जाएंगे और प्रवक्ताओं को सौंपी अशासकीय स्कूलों के भ्रमण की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रवक्ता हैं उनको यहाँ पर जो है भ्रमण की जो है अशासकीय स्कूल में जो है जारी कर दी है निर्देश। और वहीं बात करें यहाँ पर वर्षवार जो है नर्सिंग भर्ती की जो है अड़चनें दूर की जाएंगी। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती जो आपके यहाँ पर 26 करीब जो पोस्ट थी उसकी जो भर्तियाँ होंगी अब वर्षवार यहाँ पर आ रही जो दिक्कतें थी उसको लेकर जो है यहाँ पर जल्दी इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। धनसिंह रावत ने जो है यहाँ पर इनका अधिकार को जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। काफ़ी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और भर्ती घपले की जो है सीबीआई जांच को लेकर सचिवालय कुछ। तो यहाँ पर तो वहीं बात करें यहाँ पर यूकेपीएससी की भर्तियों को रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो है 7,000 पदों की भर्ती को लेकर अगर बात करें तो परीक्षा सामग्री पहुँचाने को जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट हो तैनात। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने की बात कही गई है। इसमें यहाँ पर लोक सेवा आयोग की द्वारा पारदर्शिता परीक्षा कराने को लेकर जो है सरकार से कई सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं और आयोग ने जो है परीक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए अलग से यहाँ पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है तैनात करने की बात कही है। और आयोग ने परीक्षाएं पारदर्शिता तरीके से करने के लिए यहाँ पर जो है सरकार से सिफारिश की और कहा कि परीक्षा प्रभारी को जो है विशेष जो है यहाँ पर कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट अधिकारी यहाँ पर की जाएंगी। और 23 भर्ती परीक्षाएं होनी होनी है जिसकी लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गई है यूके परिषद की। और अध्यक्ष जो कि यहाँ पर राकेश कुमार ने यहाँ पर जो है मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को जो पत्र लिखकर सिफारिशें की हैं और इस पर जो है उच्च स्तर पर जो है इस पर मंथन शुरू हो गया है। और आयोग के जनप्रति कोषागार ने यहाँ पर जो है से परीक्षा केंद्रों तक जो है गोपनीय सामग्री पहुँचाने व परीक्षा के बाद जो यहाँ पर सील पैक को जो है निर्धारित स्थान तक जो है सुरक्षित पहुँचाने को जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है नामित करने का जो है सुझाव दिया है। और परीक्षा संचालक को यहाँ परीक्षा केंद्र प्रधानाचार्य और प्रभारी को जो है यहाँ पर विशेष कार्रवाई मजिस्ट्रेट के अधिकार देने का जो है सुझाव दिया गया है। और यहाँ पर आयोग ने कहा गया है कि फुल प्रूफ व्यवस्था के लिए यहाँ जो है इन केंद्रों पर जो है प्रशासन का भी यहाँ पर जो है एक अफसर नामित किया जाना चाहिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो भर्ती कैलेंडर जो है यहाँ पर बताया गया है कि बन चुका है। तो भर्ती कैलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योग्यता परीक्षा की यहाँ पर परीक्षाओं की जांच के चलते यहाँ पर अन्य परीक्षाएं जो है प्रभावित न हो इसके लिए यहाँ पर जो है आयोग का कैलेंडर लगभग बन चुका है और युवाओं को जो है भर्ती के लिए यहाँ पर जो है इंतजार जो है ना करना पड़े इसके लिए सरकार नियमित रूप से जो है मॉनिटरिंग कर रही। तो यहाँ पर सरकार मॉनिटरिंग कर रही और भर्ती का जो कैलेंडर है आपका बन चुका है, जल्दी आपका हो जाएगा। और बताया गया कि यहाँ पर जो है 4,000 भर्तियों के लिए जो है अक्टूबर में प्रतिक्रिया शुरू होनी है। तो 4,000 पदों के लिए आपके अक्टूबर में आपके ऑनलाइन आवेदन होने हैं सबसे पहले। और वहीं बात करें यहाँ पर नकल करने वाले 12 संदिग्ध दरोगों का चल गया पता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 दरोगा का पता चल गया है। और यहाँ पर पुलिस दरोगा सीधी भर्ती में हुई धांधली के मामले में विजिलेंस ने जो है जांच तेज कर दी है और 12 ऐसे दरोगा नाम मिले हैं जिन्हें यहाँ पर नकल करने की आशंका बताई जा रही है। और विजिलेंस ने यहाँ पर जो है यदि नकल की पुष्टि हुई तो इन दरोगाओं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर इन दरोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और 2015 में बैच के दरोगाओं पर जो है कार्रवाई की संभावना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दरोगा भर्ती में धांधली हुई है इसके साक्ष्य मिल चुके हैं लगभग। और यहाँ पर जो कन्फर्म होने के बाद इन दरोगाओं के साथ सख्त कार्रवाई क्या की जाएगी। और विधानसभा पदोन्नति के नियम होंगे सख्त। तो यहाँ पर सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। और देख सकते हैं नर्सिंग पदों पर जो है वर्षवार भर्ती की जो है अड़चना शीघ्र होंगी दूर। तो लगभग जो है 2800 पदों के लिए यहाँ पर जो है नियमावली में किया जाएगा संशोधन। तो 2800 पदों के करीब बताया जा रहा है जिसमें यहाँ पर नियमावली में चेंज करना है। और यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री जो कि धनसिंह रावत हैं इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की जो है भर्ती के लिए नियमावली संशोधित किया जाएगा और जल्दी यहाँ पर जो है एक फैसला इस पर लेने वाले हैं। और वहीं अशासकीय स्कूल में बात करें तो यहाँ पर अशासकीय स्कूल में जो LTE प्रवक्ता की भर्ती होनी है उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर इनका विरोध शुरू कर दिया गया है क्योंकि अब अलग से आयोग बनना है और आयोग का जो है ड्राफ्ट तैयार कर जो सरकार कर रही है अध्ययन। तो यहाँ पर देखते हैं अध्ययन कर रही है सरकार और कहा गया है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जल्दी यहाँ पर जो प्रक्रिया तेज होगी और वहीं यहाँ पर नियुक्तियों में पारदर्शिता भी आएगी अलग से आयोग बनाने को लेकर। लेकिन यहाँ पर इनका विरोध शुरू कर दिया गया है जो अशासकीय मैनेजमेंट वाले हैं एसोसिएशन प्रबंधन इनके द्वारा बताया गया है कि गठन में जो है इनका निर्णय किया गया है कि अगर ये प्रस्ताव पास किया जाता है तो एसोसिएशन इसका यहाँ विरोध करेगा ऐसा यहाँ पर बताया गया है।